चार की चैन, दो तीन चार, यहाँ पे एक दो तीन की चैन करके आठ डंडे, इस चैन को मिलाकर ही आठ हो जाएंगे। इसको यहाँ जोड़ेंगे ऐसे, दो की चैन, इसमें तीन डंडे, फिर छः की चैन, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर इसमें भी तीन डंडे, राउंड पूरा हो चुका है। इसको यहाँ अटैच करेंगे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे करके हम ऊपर लेके जाएंगे इसको, देखो ऐसे जी। अब हम यहाँ पर डालेंगे तीन, एक दो तीन, और इसमें दो की चैन, दो की चैन, इस तरह। अब यहाँ पे हम छः की चैन करेंगे और यहाँ जोड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ जोड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, और इधर तीन, यहाँ दो की चैन, और यहाँ एक, एक आ गया। अब इसमें दो की चैन, तीन के ऊपर तीन डंडे, कुछ इस तरह। यहाँ बिना बल का तीन की चैन, इसी चैन में बिना बल का तीन की चैन, इससे आगे बिना बल का तीन की चैन, इसी चैन में बिना बल का तीन की चैन, तीन डंडों के ऊपर तीन डंडे, और एक दो की चैन, इसी में एक डंडा, फिर तीन के ऊपर तीन डंडे। इसको यहाँ जोड़ेंगे ऐसे, अब दो की चैन, चार के ऊपर चार डंडे, एक एक डंडा डालने के बाद छः की चैन, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर इसी में एक डंडा, और चार के ऊपर चार डंडे, यहाँ बिना बल का, फिर यहाँ, दो की चैन, इस तरह से टिकियाँ जोड़ी जाएंगी, छः की चैन, इसमें एक में ही तीन डंडे, और इसको यहाँ जोड़ दें, फिर तीन की चैन, एक में ही तीन डंडे, एक में ही तीन, और इसको यहाँ जोड़ेंगे
और यहाँ पर एक में ही तीन। इस तरह अब इसके साथ ये ग्रीन धागा जोड़ेंगे। यहाँ पे हर कलर की दो लाइन आएगी, तीन की चैन, एक में ही तीन, तीन की चैन, इसमें एक दो तीन, और यहाँ अटैच करेंगे तीन की चैन और तीन डंडे, तीन की चैन, रेडी की है। हल्का राउंड आने के बाद इसका यहाँ चैन से जॉइंट लगेगा। ये हमारी ट्रायंगल शेप पे बीडिंग हो चुकी है बिना बल की, चारों तरफ हो चुकी है इसकी बीडिंग। देखिए दो की चैन, ये कोना है, दो की चैन, एक छोड़ के अगले में दो की चैन। इसमें जो है ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, ये ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ अटैच करेंगे, दो की चैन, एक दो, दो छोड़ेंगे, ओके जी। अब इसकी बीडिंग कैसे करनी है, चारों तरफ से इस कोने से पकड़ें बिना बल का, चारों तरफ हाथ आएगा, ऐसे ये हर एक में एक भर आएगा। इस तरह से भराई का हाथ देने के बाद, भराई का हाथ जब पूरा हो जाए चारों तरफ, तो इसे यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ चैन करेंगे, पांच की चैन करके एक दो तीन, तीन छोड़ के अगले में बिना बल का, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। इस तरह से इसके ऊपर चैन का हाथ आएगा। हमारा ये पीस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपरी हिस्से में मैंने ये बीडिंग करी हुई है। तो ये बीडिंग कैसे होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तीन छोड़ के एक डंडा डालेंगे, दो की चैन, इसी में हमने पांच कुंडे डालने हैं डंडे, इस तरह से। ये मैंने पहले से ही कर ली थी,
इस तरह से ऊपरली हिस्से में होगी। और इसमें ये वूमन मैंने बांधे हुए हैं, ये मैं बताती हूँ कैसे बांधेंगे। 8 तार का ये वूमन है, सारा पीस हमारा कंप्लीट हो चुका है।